तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी लैपटॉप की डिस्प्ले पर। और तो आज मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ बिजनेस कार्ड कैसे बनता है, और इसको हम विजिटिंग कार्ड भी बोलते हैं बिजनेस कार्ड को। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ और साथ ही साथ में आपको क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ और किस तरह से इसके अंदर हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं इसको, वो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं अपने क्रिएट अ डिज़ाइन पे और यहाँ पर सर देख लेते हैं अपना बिजनेस कार्ड। ये देख सकते हैं आप, इसका साइज भी देख सकते हैं आप, 8.5x5 cm। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद एज यूजल यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टैबलेट्स आ जाते हैं जो कि कुछ फ्री हैं कुछ पेड भी हैं। तो हम यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा फ्री वाला ले लेते हैं, ठीक है। फ्री वाले काफ़ी सारे इसमें दिए हुए हैं फ्री वाले, ठीक है। हम यहाँ से कोई एक फ्री वाला ले लेते हैं और मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। आप जिस भी कैटेगरी में वर्क करते हो, आपका कोई बिजनेस है या आपका सैलून है या आपका कोई भी क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक है या मेडिकल की शॉप है किसी से भी रिलेटेड, या आपकी फूड की शॉप है, तो आप किसी से भी रिलेटेड यहाँ पर अपना पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी बिजनेस कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और वो आपके तुरंत आपके डिस्प्ले पर आ जाएगा, उसकी ओपन फाइल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो मेरे को आप सबसे पहले वाला ही अच्छा लग रहा है तो मैं यही वाला ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें से हम ये आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये फ्रंट है और ये बैक है, ये फ्रंट है और ये बैक है। तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसमें हम ये सारे अलग अलग लेयर्स हैं इसकी, ठीक है, आप देख सकते हैं। हम इसको और एट्रैक्टिव बनाएंगे, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं अपना नाम MOHD, ठीक है। यहाँ पर हम हाई ये है हाई स्कूल टीचर, हम यहाँ पर हाई स्कूल टीचर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अपना ऑक्यूपेशंस मेरा क्या है। मैं यहाँ पर लिखूँ VIDO, वीडियो ग्राफिक डिज़ाइनर। तो यहाँ पर मैंने अपना जो हमारा वो है, मेरी जो प्रोफाइल है वो मैंने यहाँ पर लिख दी भाई, मैं वीडियो एडिटर भी हूँ और साथ ही साथ एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, ठीक है। तो ये तो मतलब वैसे तो मैं आपको फोटोशॉप से भी सिखा सकता हूँ कि आप फोटोशॉप से कैसे अपना लोगो बना सकते हैं या कैसे आप थंबनेल बना सकते हैं, वो भी मैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ज़्यादातर लोग कैनवा को यूज़ करते हैं, इसलिए मैं कैनवा की प्रॉपर सीरीज चल रही है हमारी प्रॉपर, ठीक है। ये तो हमारा फ्रंट तैयार हो गया इसका, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना था इसके अंदर, बस हमें यहाँ पे अपना नाम और यही लिखना था, बाकी डिज़ाइन ऊपर नीचे कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया और ज़्यादा हमने इसके अंदर कुछ नहीं किया, नाम लिखा और अपना डेजिग्नेशन क्या है हमारा, ठीक है। और नीचे हम अपनी कंपनी का नाम भी लिख देते हैं भाई। तो हम यहाँ पर टैक्स में जाएंगे, टैक्स में जाने के बाद हम ये टाइटल ले लेंगे यहाँ से और हमारी कंपनी का नाम भी लिख देते हैं, ठीक है। बाउटेक थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पेज तैयार हो गया। और अब हम चलते हैं इसके सेकंड पेज की ओर, ये हमारा सेकंड, यहाँ पर हमारा बाउटेक ये इसने ऑलरेडी ले लिया आई थिंक, हाँ ये हमारा बाउटेक हो गया इधर, ये हमारा नाम और ये हमारा डेजिग्नेशंस को नीचे कर देते हैं, नाम को यहाँ पर कर देते हैं अपना कंपनी का नाम, चलो इसको धीरे ध्यान देते हैं, बाकी हम यहाँ पर अपना एड्रेस भी लिख देते हैं, चलो। विजिटिंग कार्ड बनाना सीख गए होंगे कि भाई आप किस तरह से अपना विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, और ये हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं भाई, वो हम अपना कोडिंग जैसे भी हमें सही लगता है वैसे आप रखिए भाई। जब आप बनाने बैठोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चलता रहेगा, नहीं यार नाम यहाँ होना चाहिए, नाम ये हमारा इधर होना चाहिए, ये हमारा एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए, तो भाई ऑटोमेटिकली माइंड चलता है यार। जब आप प्रॉपर इस पर बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाती हैं, माइंड हमारा ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, फ्रंट इस पर भी आ गया, ये हमारा बैक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना विजिटिंग कार्ड, अपना बिजनेस कार्ड बना सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई किस तरह से आप एक कैनवा से आप सिर्फ 2 से 3 मिनट में अपना विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, अपना बिजनेस कार्ड
बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।